हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिटेल्स कवर करने वाले, बहुत अच्छी नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 UGC 7 पे स्केल ऑफर हो रही है 57,700 की, जिस पर अलाउंसेज एटसेट्रा ऐड करके मंथली सैलरी 70,000 एंड अबव बनने वाली है। एप्लीकेशन फी नहीं है, नो एप्लीकेशन फी फॉर ST SC कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट्स एंड विमेन कैंडिडेट्स। तो इतने सारे कैंडिडेट्स के लिए फी एग्जम्प्टेड है। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड होने के केस में बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि सैलरी काफी अच्छी है और परमानेंट पोस्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं। वेबसाइट पर अपडेटेड है, तो डायरेक्टली हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ और कवर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट कॉलेज। परमानेंट पोस्ट, सैलरी 70,000, नो एप्लीकेशन फी, विमेन ST SC PWD कैंडिडेट्स। वेबसाइट पर आकर देखते हैं। सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट फंडेड है ये कॉलेज, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज इन अ वे। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत ये आता है। अब यहां पर आप चले आए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जॉब अपॉर्चुनिटीज पर एक बार आप क्लिक करें। तो जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको नजर आती है एडवर्टीजमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 लिखी हुई है, बट आप जब PDF क्लिक करेंगे तो आपको 2021 नजर आएगी। तो ये नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड होगी आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो मेंशन की हुई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आप पहले देखें 19 अप्रैल 2021 को इशू हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट ऑनलाइन लिंक। यहां पर जाके, ये लिंक पर जाकर आपको एप्लीकेशन डालनी होती है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं। फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये परमानेंट बेसिस इनके एडवर्टीजमेंट में खुद इन्होंने लिखी हुई है। दूसरी चीज ये है कि एकेडमिक पे लेवल 10 ऑफ 7 सेंट्रल पे कमीशन मैट्रिक्स विद एंट्री पे लेवल ऑफ ₹57,700। तो 57,700 की पे लेवल 10 पर 7th पे CPC के मुताबिक सैलरी पे की जाएगी, जो 70,000 बनती है मोस्टली। अब जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप देख सकते हैं, बायोमेडिकल साइंसेज में टोटल वैकेंसीज लास्ट कॉलम में लिखी हुई है। बॉटनी में 5 है, केमिस्ट्री में 2 है, कॉमर्स में 5 है, कंप्यूटर साइंस में 5 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 है, मैथ्स में 5 है, फिजिक्स में 9 है एंड जूलॉजी में 5 है। टोटल 41 पोस्ट हैं। यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न्ड सब्जेक्ट में, जो संबंधित सब्जेक्ट है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री पर 55% मार्क्स होने चाहिए। और बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, CSIR नेट क्वालिफाई की होनी चाहिए इसके अलावा, या फिर और अगर नेट नहीं है तो और में आपके PhD दी हुई है, जिनमें से PhD के लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये आप यहाँ पर चेक करें कि आपकी PhD इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है तो आप नेट एग्जेम्प्टेड हैं। तो CSIR नेट या UGC नेट होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ स्नातकोत्तर में, अदरवाइज PhD होनी चाहिए स्नातकोत्तर 55% मार्क्स के साथ में। यहां पर बाकी की डिटेल हम देखते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ 5%, तो 5% में भी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55% टू 50% ऑफ द मार्क्स टू द PhD डिग्री होल्डर्स who obtained their master's degree prior to 19 September 1991। तो कुछ relaxation भी दी गई है जो कि आप देख सकेंगे यहाँ पर PDF में, और 5% की relaxation दी होती है हमेशा ST SC के लिए, तो वो भी यहाँ पर mention की होगी, ये आप चेक कर लें। इसके बाद जो details हैं वो भी हम देख लेते हैं। फी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इफ एप्लीकेबल ₹500 है अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए, बट नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स फ्रॉम SC ST PWD एंड विमेन एप्लीकेंट्स। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आपको मैंने बताया कि ऑनलाइन आपको कहां पर एप्लीकेशन करनी है, देखिए ये PDF जब आप डाउनलोड करते हैं
तो सबसे टॉप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस को इस लिंक पर जाके एप्लीकेशन डालनी होती है। तो ये लिंक कॉमन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनमें एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के लिए। लास्ट डेट क्या होने वाली है? लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 4 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो भी कॉलेज की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होती है वो एक बार एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जरूर आती है। तो फर्स्ट टाइम जब न्यूज़पेपर में आती है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, वहां से 1 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन डाल देने। तो फिलहाल अभी तक एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नहीं आई है जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ, तो काफी वक्त है आपके पास एप्लीकेशन डालने के लिए। इसके अलावा जो डिटेल्स है ये पीडीएफ में आप देख लें कि इस तरीके से एकेडमिक रिकॉर्ड के मार्क्स वगैरह दिए जा रहे हैं, पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, नेट, ये सारे इसके मुताबिक आप अपनी स्कोर कार्ड खुद भी बना सकते हैं। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, ऑल द एप्लीकेशन शैल रिसीव शैल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो स्क्रूटिनाइज की जाएगी और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर टेस्ट वगैरह मुझे नजर नहीं आ रही है कि टेस्ट होने वाली है, फिर भी आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। 10 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। पेज नंबर 8 पर आप देखिए क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट शॉर्टलिस्टिंग होगी, जिसके लिए ये सारे आपके ग्रेजुएशन एटसेट्रा के जो स्कोर कार्ड बनेंगे उसके बेसिस पर डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो आपको बुलाया जाएगा। मींस कोई भी रिटन टेस्ट या एग्जामिनेशन नहीं होने वाली, इंटरव्यू बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगी और इंटरव्यू की शॉर्टलिस्टिंग आपके मार्क्स जो भी स्कोर्स आए हुए हैं सभी जगह उनके स्कोर्स के मुताबिक होगी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन मैंने कवर अप कर ली। अब यहां पर मैं बता दूं कि कल मैंने अपने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर बहुत अच्छी नोटिफिकेशन कवर अप की हुई है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सारे सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन इन दोनों में है, तो काफी सब्जेक्ट है यहाँ पर, कॉमर्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस, अकाउंटेंसी, काफी सारे सब्जेक्ट। यहाँ पर भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन नजर आएगी, इसकी लास्ट डेट भी बहुत पास है। तो ये आप जाकर फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मेरे चेक कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने की लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, क्लिक करने और ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएं। साथ ही साथ बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन आपको मेरे नए यूट्यूब चैनल SM टेक्निकल जॉब्स पर भी मिलेंगे। तो SM टेक्निकल जॉब्स यूट्यूब चैनल नई सेटअप की गई है सब्सक्राइबर्स के लिए, इसे भी आप जाकर सब्सक्राइब कर लें। यहां पर भी काफी नोटिफिकेशन आपके यूज की मिल सकती है, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन यहां पर भी कवर करने की कोशिश मैं करती रहती हूँ। तो इसकी भी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो नोटिफिकेशन आई है वो भी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। क्लिक करके सारी डिटेल्स चेक करें और एप्लीकेशन डालें एलिजिबल होने के केस में। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।